इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। क्या कुछ ज्यादा फिल्मी हो गया? अरे होना चाहिए, अब जो काम सीखने जा रहे हैं हम वही तो सब कुछ था। अब मैं आपको पिडिंग करने के वो सात नुस्खे बल्कि चलो थोड़ा ट्विस्ट ऐड कर लेते हैं, सात कीमियाई नुस्खे बताऊंगा जिससे आपका मामला बिडिंग का इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से ना सिर्फ अच्छा जाएगा बल्कि आपको रिस्पांस भी मिलेगा। इसमें मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा कि बिड में क्या इंक्लूड करना चाहिए, मैंने क्या इंक्लूड किया था जो अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज्जत दी फ्रीलांसिंग में, इतनी इज्जत के माशाल्लाह शायद किसी और पाकिस्तानी को नहीं मिली। पर मेरी ख्वाहिश है कि मेरी वीडियोस रिकॉर्ड करने के बाद बेतहाशा पाकिस्तानियों को अल्लाह पाक इतनी इज्जत दे और मैं जब आप लोगों को मिलूं तो आप लोग दुनिया को बताएं कि ये हमारा उस्ताद है। इट बिगिंस विद जनाब बिगिनिंग ऑफ बिड रिस्पॉन्स। आपने प्रोजेक्ट ब्रीफ देख लिया, आपको समझ लगी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, आपने वेरीफाई भी कर लिया, पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड है, मिसाल के तौर पे उसने प्रीवियसली प्रोजेक्ट भी डाले हुए थे, एम्प्लॉयर ने पे भी किया हुआ है फ्रीलांसर को। जब आप एक प्रोजेक्ट ब्रीफ समझ गए, अब आप बिड करने जा रहे हैं, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन बिड बटन एंड इट वेरीज फ्रॉम फ्रीलांस मार्केट प्लेस टू मार्केट प्लेस। अपवर्क का बटन कुछ और कह रहा है, guru.com का बटन कुछ और कह रहा है, freelancer.com का बटन कुछ और कह रहा है, बट मकसद ये है कि बिड करो प्रोजेक्ट। फर्स्ट इज बिगनिंग ऑफ द बिड रिस्पॉन्स। आप जब खतो किताबत करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, तो सबसे पहले सलाम दुआ करते हैं। सो बिगनिंग ऑफ द बिड रिस्पॉन्स इज एक्चुअली सलाम दुआ, ग्रीटिंग्स, हेलो। ये जरूर जहन में रहे कि अगर आपका दिन है तो जरूरी नहीं एम्प्लॉयर का भी दिन चढ़ा हुआ, आप ये ना लिखिएगा गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड नाइट, सिर्फ बेसिक ग्रीटिंग्स या हेलो से काम स्टार्ट करना है। दूसरी बात जनाब, क्लाइंट्स प्रोजेक्ट समरी। क्लाइंट ने तो एक बड़ा पर्चा डाला, मुझे ये चाहिए था, उस पर्चे को समझो और फिर दोस्तों उसको समराइज करो। मिसाल के तौर पे मुझे एक वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट पोस्ट मैंने कर दिया और मुझे एक वेबसाइट डेवलपमेंट चाहिए, मैंने ब्रीफली सब कुछ लिख दिया, कलर प्रेफरेंसेस क्या है, प्रेफर्ड वेबसाइट्स कौन सी मुझे पसंद है, कौन सी टेक्नोलॉजी में मैं काम कराना चाहता हूँ, सो एंड सो फोर्थ। बट आप ये सब कुछ समराइज करके दो लाइनों में एक पैरा के अंडर इस प्रोजेक्ट को समराइज कर दें एम्प्लॉयर के। मैं क्यों ये बता रहा हूं, वजह मैं बाद में समझाऊंगा। तीसरी बात, आप फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, अपनी स्किल इंडस्ट्री और एक्सपीरियंस के बारे में बात कीजिए। तीन बातें इंट्रोडक्शन के अंदर, आपकी स्किल इंडस्ट्री और एक्सपीरियंस। चुटकी मैंने इसलिए मारी थी स्किल पे कि स्किल ही तो है, अगर स्किल नहीं आती तो फिर काहे की फ्रीलांसिंग, समझ गए ना। तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, बताइए एम्प्लॉयर को आप कौन है, आपने किस एक्सपर्टीज में महारत है, किस किस इंडस्ट्री के, जो कि पोर्टफोलियो है बाय द वे, ना पोर्टफोलियो का लिंक नहीं देना, यहाँ पर सिर्फ ये बताना है कि मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया है, और फिर ये बताना है कि जना मेरा इतना एक्सपीरियंस है, इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया जना। चौथा, प्रेजेंटिंग पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, रिमेंबर ऑल यू डू एट द बिगनिंग ऑफ योर करियर इज एन इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स अ गोल। So create free portfolio if you are a newbie, if you are a fresh beginner, आप invest कीजिए अपने time पर, इर्गिर्द लोगों से काम करा जो है वो मांगिए, free में काम कीजिए और अपना portfolio build कीजिए। पांचवी बात जनाब, magic trick up my sleeves। मेरी स्लीव में कुछ है पता नहीं, आपकी है आपको पता होगा, इसके बारे में मैं डिटेल से आगे डिस्कस करूंगा। बट ये वो ऑफर्स होती हैं, सवालात होते हैं जिनकी वजह से एम्प्लॉयर कम्युनिकेशन चैनल खोलेगा, वो क्या होते हैं हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। छठा जनाब, वीडियो क्रिएशन। वीडियो क्रिएशन के मैं वीडियो में सामने आ रहा हूं, स्माइल कर गए, स्माइल किया करो, इट्स सुन्ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हुक्म दिया है कि अपने चेहरे पर मुस्कान रखे, प्लेजेंट पर्सनैलिटी लगती है। तो जनाब वीडियो क्रिएशन, इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सातवीं बात, हेलो, लिखना किसने है, दोबारा से लिखिएगा, ये सारे सात के सात पॉइंट जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं इसको लिख के अपने टेबल पे चस्पा कर दीजिए, क्योंकि यही वो नुस्खा है जिसको मैं पिछले 10 साल से
यूज कर रहा हूं और अल्लाह पाक के फजल करम से कमा भी रहा हूं। सातवां पॉइंट जो ना क्लोजिंग ऑफ बेड, गुड नाइट नहीं करना, बस सारा काम कर दिया लिख लिया आखिर में कहो कि एम्प्लॉयर गुड नाइट, एम्प्लॉयर भी हंसेगा और मेरे मुल्क का और अपने मुल्क का नाम भी खराब करेंगे। क्लोजिंग ऑफ बेड एक्चुअली इंक्लूड्स कि ओके रिस्पेक्टफुली रिगार्ड्स थैंकफुली। सो ये सात पॉइंट्स हैं, सबसे पहले प्रिंट आउट लीजिए और रेज योर हैंड्स इफ यू वांट मी टू डू बिडिंग बाय फॉलोइंग दिस सेवन पॉइंट्स रियल टाइम। आपका जवाब का इंतजार है।